हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं फातिमा सिद्दीका, लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डायग्नोस्टिक यूटिलिटीज लेक्चर सीरीज के थर्ड लेक्चर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डायग्नोस्टिक यूटिलिटीज सब्जेक्ट जो कि उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा सत्र 2021 के लिए पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए लागू किया गया है। साथ ही यह सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस तथा आईटी के स्टूडेंट्स के लिए भी काफी उपयोगी है। तो आज इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगी पोस्ट के बारे में, पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो देखते हैं इसमें आप क्या क्या स्टडी करेंगे। व्हाट इज पोस्ट, द रोल ऑफ पोस्ट इन बूट सीक्वेंस, बूट सीक्वेंस में पोस्ट का क्या रोल होता है, पोस्ट क्या है, ड्यूटीज ऑफ बायोस ड्यूरिंग पोस्ट, पोस्ट कंडक्ट करने के टाइम बायोस की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, चेक्स परफॉर्म बाय पोस्ट, पोस्ट द्वारा क्या क्या चेक परफॉर्म किए जाते हैं, चेंजिंग पोस्ट ऑप्शंस, पोस्ट के जो ऑप्शंस हैं वो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप इस लेक्चर में आज पढ़ेंगे। स्टार्टिंग करते हैं, व्हाट इज पोस्ट, पोस्ट क्या है यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑलरेडी मैं ब्रीफली आपको अपने लास्ट टू लेक्चर्स में पोस्ट के बारे में बता चुकी हूँ। अब हम डिटेल में देखते हैं। द पोस्ट इज अ सिस्टमेटिक चेक ऑफ बेसिक सिस्टम डिवाइसेस। तो अगर कोई आपसे पूछता है पोस्ट क्या है, तो वन लाइन आंसर आप देंगे, पोस्ट इज अ सिस्टमेटिक चेक ऑफ बेसिक सिस्टम डिवाइसेस। यानी कि जो सिस्टम की जो बेसिक डिवाइसेस हैं उसको सिस्टमेटिक चेक करने का तरीका क्या कहलाता है, पोस्ट कहलाता है, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो पोस्ट इज अ सेट ऑफ रूटीन्स परफॉर्म बाय फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर इमीडिएटली आफ्टर अ कंप्यूटर इज पावर्ड ऑन टू डिटरमाइन इफ द हार्डवेयर इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। पोस्ट बेसिकली क्या है, सेट ऑफ रूटीन्स है, यानी कि सेट ऑफ इट इज सॉफ्टवेयर कोड, सेट ऑफ कोड, सेट ऑफ रूटीन्स परफॉर्म बाई फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर इमीडिएटली, फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर द्वारा परफॉर्म की जाने वाली सेट ऑफ रूटीन्स है इमीडिएटली आफ्टर द कंप्यूटर इज पावर ऑन। जैसे ही कंप्यूटर आपका पावर ऑन होता है, किस लिए पोस्ट को रन किया जाता है, टू डिटरमाइन इफ द हार्डवेयर इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, ये चेक करने के लिए कि जो हार्डवेयर है वो सही तरीके से एक्सपेक्टेड वे में वर्क कर रहा है या नहीं। द प्रोसेस वुड प्रोसीड फर्दर ओनली इफ द रिक्वायर्ड हार्डवेयर इज वर्किंग करेक्टली। अगर जो चेक है वो आपका सक्सेसफुल होता है, जो रिक्वायर्ड हार्डवेयर है वो सही से वर्क कर रहा है, तो प्रोसेस जो है पोस्ट का वो आगे सेकेंड स्टेज पे प्रोसीड करेगा। एल्स द बायोस अदरवाइज, जो अगर ऐसा नहीं होता है, सपोज कोई हार्डवेयर कंपोनेंट आपका मिसिंग है, जो बेसिक हार्डवेयर है या वो सही से रन नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, बायोस वुड इशू एन एरर मैसेज। तो उस केस में बायोस क्या करता है, एक एरर मैसेज को इशू करता है। पोस्ट सीक्वेंस इज एग्जीक्यूटेड इरेस्पेक्टिव ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इज हैंडल्ड बाय द सिस्टम बायोस। पोस्ट सीक्वेंस जो होता है उस वो ऑपरेटिंग सिस्टम के इरेस्पेक्टिव एग्जीक्यूट होता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम से इंडिपेंडेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ जब पोस्ट सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं, पोस्ट एग्जीक्यूट होगा तो पोस्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई रिलेशन नहीं है, वो उसके इरेस्पेक्टिव, उससे इंडिपेंडेंट, उससे पहले प्रायर एग्जीक्यूट होता है एंड इज हैंडल्ड बाई द सिस्टम बायोस, और बायोस के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। Once the tests are passed, the post would generally notify the operating system with beeps. तो जो हमारे टेस्ट हैं, जो कि पोस्ट क्या करता है, जो टेस्टिंग करता है, वो सक्सेसफुली कंप्लीट होते हैं, यानी टेस्ट आर पास, तो क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, बीप्स से नोटिफाई करेगा। वाइल द नंबर ऑफ बीप्स कैन वेरी फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम। तो जो नंबर ऑफ बीप्स होते हैं वो सिस्टम टू सिस्टम डिपेंडिंग ऑन हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर वो आपके वेरी करते हैं। When post is successfully finalized, bootstrapping is enabled. तो पोस्ट वाला स्टेप सक्सेसफुली फाइनलाइज होने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट क्या है, बायोस का फंक्शन bootstrapping. तो bootstrapping enable हो जाती है। bootstrapping starts the initialization of the OS. bootstrapping क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को इनिशियलाइज करता है। As the testing progresses, the BIOS displays codes that you can use to interpret the status of your server. तो जैसे ही टेस्टिंग चल रही होती है तो BIOS क्या करता है, कुछ codes डिस्प्ले करता है, जिससे कि आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके सर्वर या आपका कंप्यूटर सिस्टम का क्या स्टेटस है। द कोड्स अपीयर एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सिस्टम वीजीए स्क्रीन। जो सिस्टम की जो स्क्रीन होती है, वीजीए का मतलब होता है वीडियो ग्राफिक अडेप्टर, वीजीए स्क्रीन जो या जो भी स्क्रीन है सिस्टम की, उसके राइट कॉर्नर पर ये कोड्स अपीयर होते हैं आफ्टर द सेल्फ टेस्ट हैज प्रोग्रेस फार एनफ टू इनिशलाइज द वीडियो मॉनिटर।
Because the quotes might scroll off of the screen too quickly to be read, an alternative method of displaying postcodes is to redirect the output of the console to a serial port. क्योंकि ये जो कोड्स होते हैं जो कि सिस्टम की स्टेट को डिनोट करते हैं जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि सिस्टम आपका किस स्टेट में है, ये बहुत ही फास्ट तरीके से स्क्रॉल ऑफ हो जाते हैं, क्विकली रीड नहीं हो पाते. दूसरा अल्टरनेटिव तरीका ये हो सकता है कि आप उनको एक सीरियल पोर्ट पे रिडायरेक्ट कर दें. देखते हैं हम आगे कैसे होता है. तो अब यहाँ देखते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ पोस्ट ऑपरेशन. जब पोस्ट रन करता है तो जो उसकी फर्स्ट स्टेज होती है उस समय आपको इस तरीके की स्क्रीन नजर आती है जिसमें सिस्टम पे समटाइम्स लिखा होता है सबसे पहले प्रेस फिर देन सम की लाइक डेल F1 एस्केप टू रन द सेटअप. यानी कि वहाँ से यूजर रिडायरेक्ट हो सकता है बायोस के सेटअप को कन्फिगर करने के लिए, सीमोस सेटअप को कन्फिगर करने के लिए, और अदरवाइज अगर आप कोई ऐसी की प्रेस नहीं करते हैं तो नॉर्मली पोस्ट ऑपरेट होता है. फर्स्ट स्टेज के बाद सेकंड स्टेज आती है. तो सेकंड स्टेज क्या होती है, सेकंड स्टेज में फर्स्ट स्टेज में आपको ऑप्शन दिया गया डिस्प्ले हुआ कि प्रेस दिस की टू हॉल्ट एंड टू रिडायरेक्ट टू द सेटिंग स्क्रीन. एंड देन सेकेंड स्टेज में पोस्ट ने सारी डिवाइसेस को चेक करना स्टार्ट कर दिया. जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं इट्स चेकिंग ड्राइव बी मास्टर डिस्क प्राइमरी सेकेंडरी सबकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले हो रही है. देन PCI डिवाइसेस लिस्टिंग्स. ओके द रोल ऑफ पोस्ट इन द बूट सीक्वेंस. अब देखते हैं कि बूट सीक्वेंस में बूटिंग के टाइम पर पोस्ट का क्या रोल होता है. बूट सीक्वेंस इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर सिस्टम. तो बूट सीक्वेंस बेसिकली क्या है, एक कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने का तरीका प्रोसेस को बूट सीक्वेंस कहलाता है. द बूट सीक्वेंस इज इनिशिएटेड व्हेन द पावर बटन इज प्रेस्ड. इट सेंड्स पावर टू द बूट लोडर इन द कैश मेमोरी. जैसे ही आप पावर बटन को प्रेस करते हैं वैसे ही आपका बूट प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है, यानी कि स्टार्ट हो जाता है. और ये क्या करता है, इट सेंड्स पावर टू द बूट लोडर इन द कैश मेमोरी. और कैश मेमोरी में स्थित बूट लोडर को यह पावर सेंड करता है. द बूट लोडर परफॉर्म्स पोस्ट एज अ प्री बूट सीक्वेंस. तो बूट लोडर क्या करता है, पोस्ट को प्री बूट सीक्वेंस की तरीके से परफॉर्म करता है. एंड इफ एवरीथिंग इज वर्किंग वेल विदाउट एनी एरर्स द बायोस इज एक्टिवेटेड व्हिच फाइंड्स एंड लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम. और सब कुछ सही होने पे अगर सब कुछ प्रॉपर्ली वर्किंग है तो बायोस क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइंड करता है, लोड करता है. Finally, the software has to interact with the hardware units to complete the process. Finally, process को complete करने के लिए boot sequence के जो software होता है वो hardware units के साथ interact करता है. To avoid any hardware errors while executing a software program, the pre-boot sequence would test the hardware and initiate the operating system if and only if the basic hardware units are functioning as expected. किसी भी हार्डवेयर एरर को अवॉइड करने के वास्ते जो प्री बूट सीक्वेंस है वो हार्डवेयर को टेस्ट करता है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को इनिशिएट करता है इफ एंड ओनली इफ द बेसिक हार्डवेयर यूनिट्स आर फंक्शनिंग एज एक्सपेक्टेड. अगर जो बेसिक हार्डवेयर यूनिट्स है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग है, यानी कि बायोस ने सबसे पहले सभी को पोस्ट को एग्जीक्यूट करके सभी डिवाइसेस को ऑलरेडी चेक कर लिया होता है, देन उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल ट्रांसफर होता है. अब देखते हैं कि ड्यूटीज ऑफ बायोस ड्यूरिंग पोस्ट. पोस्ट के दौरान बायोस की क्या क्या ड्यूटीज हैं. द प्रिंसिपल ड्यूटीज ऑफ द बायोस ड्यूरिंग पोस्ट आर एज फॉलोज. कुछ प्रिंसिपल ड्यूटीज जो कि बायोस परफॉर्म करता है ड्यूरिंग पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, वो क्या है. सबसे पहले फाइंड साइज एंड वेरीफाई द सिस्टम मेन मेमोरी. फाइंड करता है और वेरीफाई करता है सिस्टम की मेन मेमोरी को, उसका साइज चेक करता है. देन इनिशलाइज बायोस, बायोस इनिशलाइज होता है. देन आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइज एंड सिलेक्ट विच डिवाइसेस आर अवेलेबल फॉर बूटिंग. देन उसके बाद बूट सीक्वेंस के को फॉलो करते हुए कौन कौन सी डिवाइसेस अवेलेबल हैं बूटिंग के लिए उनको आइडेंटिफाई करता है एंड ऑर्गेनाइज करता है एंड सेलेक्ट करता है. देन वेरीफाई सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू रजिस्टर को वेरीफाई करना. वेरीफाई द इंटीग्रिटी ऑफ द बायोस कोड इटसेल्फ, बायोस कोड की खुद की इंटीग्रिटी को वेरीफाई करना. वेरीफाई सम बेसिक कंपोनेंट्स लाइक डीएमए टाइमर एंड इंटरप्ट कंट्रोलर. कुछ बेसिक कंपोनेंट्स जैसे कि डीएमए टाइमर और इंटरप्ट कंट्रोलर्स को वेरीफाई करना. पास कंट्रोल टू अदर स्पेशलाइज्ड एक्सटेंशन बायोस एंड अगर इंस्टॉल्ड है अदर बायोस के एक्सटेंशंस, ठीक है, तो उन स्पेशलाइज्ड एक्सटेंशंस तो उनको कंट्रोल पास करना. ये सभी ड्यूटीज हैं बायोस की ड्यूरिंग पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. नेक्स्ट चेक्स परफॉर्म्ड बाय पोस्ट.
पोस्ट क्या क्या कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स चेक करता है, कौन कौन से चेक परफॉर्म करता है। वो चेक जो मेजर चेक्स हैं वो है हार्डवेयर एलिमेंट्स लाइक प्रोसेसर, स्टोरेज डिवाइसेस एंड मेमोरी। सबसे पहले ये हार्डवेयर एलिमेंट्स को चेक करते हैं, जैसे कि प्रोसेसर, स्टोरेज डिवाइसेस और मेमोरी। सेकंड, बेसिक सिस्टम डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस। जो बेसिक सिस्टम डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड एंड पेरिफेरल डिवाइसेस यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को चेक करना। थर्ड, सीपीयू रजिस्टर्स को चेक करना, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, टाइमर एंड इंटरप्ट कंट्रोलर्स को चेक करना। ये सारी चेक्स हैं जो कि पोस्ट द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। देन चेंजिंग पोस्ट ऑप्शंस, तो आप पोस्ट के ऑप्शंस को चेंज करने का तरीका कैसे चेंज कर सकते हैं। दीज इंस्ट्रक्शंस आर ऑप्शनल, ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो ऑप्शनल होती हैं, बट यू कैन यूज दैम टू चेंज द ऑपरेशंस दैट द सर्वर परफॉर्म्स ड्यूरिंग पोस्ट टेस्टिंग। जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कुछ ऑप्शनल इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइडेड होती हैं, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, उनको यूज़ करके जो ऑपरेशंस हैं जो कि सर्वर परफॉर्म करेगा ड्यूरिंग पोस्ट की पोस्ट टेस्टिंग में, उनको आप चेंज कर सकते हैं। टू चेंज द पोस्ट ऑप्शंस, अब देखते हैं पोस्ट ऑप्शंस को चेंज करने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइज द बायोस सेटअप यूटिलिटी बाय प्रेसिंग द F2 की व्हाइल द सिस्टम इज परफॉर्मिंग द पावर ऑन सर्व टेस्ट। तो सबसे पहले हम बायोस सेटअप यूटिलिटी में जाएंगे, उसको इनिशियलाइज करेंगे F2 की प्रेस करके, जिस वक्त आपका पोस्ट रन कर रहा है, पोस्ट आपका परफॉर्म कर रहा है। द बायोस मेन मेन्यू स्क्रीन अपीयर्स, बायोस की मेन मेन्यू स्क्रीन अपीयर होगी, जैसे कि मैं अपने लास्ट लेक्चर में आपको मैंने आपको दिखाया है। देन उसके बाद सेलेक्ट द बूट मेन्यू, आप बूट मेन्यू में जाएंगे, बूट मेन्यू को उसमें सेलेक्ट करेंगे, द बूट सेटिंग स्क्रीन अपीयर्स। जैसे ही आप बूट मेन्यू सेलेक्ट करेंगे तो जो एक स्क्रीन अपीयर होगी जिसमें आपको बूट सेटिंग के ऑप्शन दिए होंगे। देन सेलेक्ट बूट सेटिंग कन्फिग्रेशन, फिर आप उसमें कन्फिग्रेशन पे सेलेक्ट करेंगे, द बूट सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन अपीयर्स। उसके बाद आपको बूट सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन मिल जाती है। देन फाइनली ऑन द बूट सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन देयर आर सेवरल ऑप्शंस दैट यू कैन इनेबल और डिसेबल। द बूट सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन पे आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं जिसे आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, वो है रिट्राई बूट लिस्ट, ऑटोमेटिकली रिट्राइज द बूट लिस्ट व्हेन ऑल डिवाइसेस हैव फेल्ड, दिस ऑप्शन इज इनेबल बाय डिफॉल्ट। तो फॉर एग्जाम्पल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अगर जितनी भी बूट डिवाइसेज हैं वो सभी फेल हो जाती हैं तो एक एरर डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो वो एरर डिस्प्ले होने से पहले अगर ये ऑप्शन इनेबल है तो ऑटोमेटिकली दोबारा से वो रिट्राई करेगा बूट लिस्ट को, कि बाई चांस अगर फर्स्ट टाइम में इनिशलाइज नहीं हो पाया है बूट लोडर और ये डिटेक्ट नहीं हो पाया है तो किसी भी डिवाइस में अगर एग्जिस्ट करता है तो सेकेंड टाइम दोबारा ऑटोमेटिकली वो उसको रिट्राई करेगा बूट लिस्ट में, चेक करेगा कि अकॉर्डिंग टू दैट सभी डिवाइसेस को चेक करेगा कि उसमें बूट सेक्टर मिल है अवेलेबल या नहीं जहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम लाई करता है। तो ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ये इनेबल होता है, इसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं लेकिन दैट इज नॉट रिकमेंडेड, बाय डिफॉल्ट इट इज इनेबल। सेकंड, क्विक बूट ऑप्शन, दिस ऑप्शन इज इनेबल बाय डिफॉल्ट, ये ऑप्शन भी बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। द बायोस स्किप्स सर्टेन टेस्ट्स व्हाइल बूटिंग सच एज द एक्सटेंसिव मेमोरी टेस्ट। तो क्विक बूट का मतलब क्या है, बूटिंग के दौरान कुछ टेस्ट होते हैं जिसको स्किप कर सकते हैं आप, जैसे कि एक्सटेंसिव मेमोरी टेस्ट। दिस डिक्रीजेस द टाइम इट टेक्स फॉर द सिस्टम टू बूट, इससे क्या होता है जो बूटिंग में जो टाइम लगता है वो रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो इसीलिए क्विक बूट कहलाता है। बाई डिफॉल्ट दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनेबल्ड। थर्ड है क्वाइट बूट, दिस ऑप्शन इज डिसेबल्ड बाई डिफॉल्ट, क्वाइट बूट बाई डिफॉल्ट डिसेबल होता है। इफ़ यू इनेबल दिस ऑप्शन द सन माइक्रोसिस्टम्स लोगो अपीयर्स इंस्टेड ऑफ पोस्ट कोड्स। तो अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो सिर्फ आपको लोगो नज़र आएगा, जो पोस्ट कोड्स हैं वो जो रन कर रहे हैं पोस्ट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं और जो पोस्ट कोड डिस्प्ले होते हैं वो आपको क्वाइट बूट में आपको डिस्प्ले नहीं होंगे। तो दिस इज कॉल्ड क्वाइट बूट। एंड वेट फॉर F1 इफ एरर, फाइनली दिस ऑप्शन इज इनेबल्ड बाई डिफॉल्ट, ये ऑप्शन भी बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। द सिस्टम पॉजेस इफ एन एरर इज फाउंड ड्यूरिंग पोस्ट एंड ओनली रिज्यूम्स व्हेन यू प्रेस द F1 की। अगर पोस्ट के दौरान कोई एरर मिलता है तो सिस्टम क्या होता है, पॉज स्टेट में चला जाता है और उस वक्त रुक जाता है, और जब तक पॉज रहता है जब तक कि आप F1 की को प्रेस नहीं करते हैं। तो ये सिस्टम चूंकि ऑलरेडी इनेबल होता है तो लिखा आता है, आपने भी कई बार देखा होगा कि प्रेस F1 की टू कंटिन्यू,
ठीक है, तो उस केस में आपका ये ऑप्शन इनेबल है और यहाँ से ये रन कर रहा है। तो ये थे कुछ ऑप्शंस जो मैंने डिस्कस किए, पोस्ट ऑप्शंस जिसको आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा और भी ऑप्शंस होते हैं, जब आप प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ से आपका कौन कौन से ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं, इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, उनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर अबाउट पोस्ट। इन माय नेक्स्ट लेक्चर यू विल स्टडी अबाउट वेरियस पोस्ट एरर कोड्स। टिल देन थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, बाय।